आज का यह वीडियो सिर्फ उन्हीं किसान भाइयों के लिए है जिन किसान भाइयों को लगता है कि खेती से कमाई नहीं किया जा सकता, खेती करना बेकार ही है, या फिर उन लोगों के लिए जो जिनको लगता है कि क्या खेती करना चाहिए, मान के चलिए कि यह सोच में है कि खेती करें या फिर ना करें, इन सभी किसान भाइयों के लिए आज के यह वीडियो होने वाला है। क्योंकि काफ़ी सारा जो कमेंट है वह लगातार कभी ना कभी आता ही रहता है कि आप इस तरीके का गलत बोल रहे हैं कि खेती से इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, इस तरीके का काफ़ी सारी जो कमेंट है वह आता रहता है। तो उसी के विषय में आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल करने वाले हैं कि किस तरीके से कई ऐसे किसान हैं जो कि काफ़ी आगे निकल गए, काफ़ी कुछ कर लिया उसने लाइफ में, और क्या क्या वह तरीके हैं जिससे आप एक बेहतर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, या फिर जो सक्सेसफुल जो किसान हुए हैं वह किस तरीके से जो है खेती किसानी से ही सक्सेसफुल हुआ है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, क्योंकि आगे भी आपको इस तरीके का वीडियो इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलने वाली है। तो चलिए किसान साथियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसान साथियों कई ऐसे किसान हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि आपके गांव में ही खुद आप देखे होंगे कि कई ऐसे सारे किसान हैं जिनके पास पहले कुछ नहीं था और अभी के टाइम पर देखा जाए तो काफ़ी सफल है, वह सक्षम है अपने घर पर काफ़ी सारे जो ट्रैक्टर हो गया और भी सारी चीज़ें जो खेती के काम आने वाला है यह सब चीज़ें खरीद चुके हैं। अभी कई ऐसे भी किसान हैं जो कि खेती से ही जो है बड़े बड़े मशीनरी भी खरीद रहे हैं, हार्वेस्टर ले रहे हैं और काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो इस तरह की चीज़ें खुद आपके गांव में ही होता है। कई लोग जो है कई सारी नौकरियां छोड़कर खेती पर आ रहा है, कई लोग जो है धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हाल ही पे एक जो लॉयर है, वकील है, उसने भी कमेंट किया था मैं सब्जी वर्गी की खेती करना चाहता हूँ तो किस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके का कमेंट आया हुआ था। तो यह सब चीज़ें देखने को मिल रही है। आपको जो है एक सही रणनीति से और एक प्लानिंग के साथ खेती करना होगा, तभी जो है आप एक बेहतर प्रॉफिट खेती से कर सकते हैं। आपका मानसिकता यही है, जिन किसान साथियों ने कमेंट किया था उनका मानसिकता यही है कि खेती से जो है प्रॉफिट नहीं किया जा सकता, लेकिन आप उसमें सही तरीके से काम करते हैं तो आप 100% उससे प्रॉफिट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप खेती ही कर सकते हैं। कई ऐसे जो किसान हैं वह पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है, बकरी पालन कर रहा है, इस तरीके का काफ़ी कुछ चीज़ें भी है। कई सारे किसान जो है हार्वेस्टर भी खरीद रहे हैं अपने जो खेतों के काम के साथ साथ जो है काफ़ी ज़्यादा उससे जो प्रॉफिट है वह कर रहा है, दूसरे की धान की कटाई कर धान अभी जो है कई ऐसे राज्य हैं जहां पर दो सीजन पूरा धान ही बोया जाता है इस तरीके का, तो वह हार्वेस्टर पर ही कितना ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है। कई सारे ऐसे किसान हैं जो कि मछली पालन कर एक बेहतर प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, मोती की खेती कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के तहत काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो तरीका कई सारी है, आपको सिर्फ आप जो है एक तरफ आप नज़र देख रहे हैं कि इसमें जो है प्रॉफिट नहीं होता। क्योंकि हालांकि मैं मानता हूं कि काफ़ी सारे जो किसान हैं वह लॉस में जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो टेक्निक है खेती करने के तरीके के साथ साथ जो रणनीति है वह सही तरीके से बनाना होगा, तभी जो है एक बेहतर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इससे जो युवा है वह भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से खेती में आ रहा है। कई जो युवा है वह स्टडी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो पढ़ाई कर रहे हैं वह साथ में यह भी सोच रखे। और मेरा जो पर्सनल मानसिकता है वह यही रहता है कि आपके पास एक और ऑप्शन है, वह है खेती का। आप यही आप ठान के चलते हैं कि मोदी जी जो है बहुत सारा नौकरी वैकेंसी निकालेगी तो आप उसमें जो है आप उसका ही इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर मोदी जी जो है वैकेंसी ही नहीं निकाल रही है वही सोचकर आप घर पर पड़े बैठे हुए हैं, तो यह सब चीज़ें जो है गलत चीज़ है। आपके पास एक और ऑप्शन है, वह है खेती का। खेती अगर सही रणनीति से किया जाए तो 100% उसमें जो है आप एक बेहतर प्रॉफिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें आप जो है आपको पूरी तरीके से फ्रीडम रहता है। आज आपका मन है तो आप काम कर सकते हैं। आप खेतों पर गए हैं, मान के चलिए कि कुछ समय के बाद आपको अचानक काम आ गया या फिर आपको काम करने का मन नहीं है, वैसे परिस्थिति में आप कभी भी खेत से आ सकते हैं, कभी भी आप कितने दिन की भी छुट्टी ले सकते हैं। आपके ऊपर आप खुद एक मालिक होते हैं जब आप खेती कर रहे होते हैं। तो कुछ समस्या आती है, मान के चलिए कि अभी आपके प्लॉट में बहुत ही ज़्यादा जो है काम है, आपको तुरंत कोई स्प्रे लेना है और आप जो है बाहर गए हुए हैं, तो ऐसे में आप कोई लेबर की मदद से भी आपका काम निपटा सकते हैं। यहाँ पर आप नहीं भी होते हैं फिर भी आपका काम जो है वह हो जाएगा। अगर आप
मैनेजमेंट के साथ सही तरीके से करते हैं तो, और रणनीति अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप खेती से एक बेहतर जो प्रॉफिट है वह जनरेट करना चाहते हैं तो, कई बार होता भी है, ज़रूरी नहीं कि हर बार आप जो है प्रॉफिट में जाए, हमें भी कई बार लॉस हुआ है, हम उसके बारे में भी पूरा डिटेल आपके साथ शेयर किए हैं। खरबूजा की खेती हम एक वर्ष 3 एकड़ पर कर रहे थे, हमको जो है हमारा बीज तक का खर्च बड़ा मुश्किल हो गया था उसमें निकालना, इस तरीके का भी होता है, लेकिन फिर भी हम अगले साल खरबूजा की खेती किए और एक बेहतर प्रॉफिट हम खरबूजा की खेती से निकाले। आप एक बार में आप तुरंत डिसाइड नहीं कर सकते, आप एक वर्ष मान के चलिए कि आप को लॉस हो चुका तो आपको लगता है कि खेती से जो है लॉस ही होता है, खेती से प्रॉफिट नहीं किया जा सकता। आप उसको ढूंढो कि किस तरीके से क्यों आपको लॉस हुआ, आप पूरा एक जो है लिस्ट बना कर रखें कहाँ पर क्या खर्च हुआ, उस पर आप ध्यान दे सकते हैं कि अगले वर्ष हमको हम यहाँ पर जो है खर्च को बचा सकते हैं। इस तरीके का अगर आप चीज़ें करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। टमाटर की खेती की बात करें तो जब हम पहले वर्ष जब टमाटर की खेती किए थे तो उस समय जो है 250 रुपये से ऊपर कभी रेट ही नहीं गया पूरे वर्ष भर, और वैसे में जो हमारा आधा प्लॉट है वह बैक्टीरियल विल्ट की वजह से पूरा ख़त्म हो चुका था, और आधा प्लॉट ही हमारा बचा हुआ था, उसमें भी 200 रुपये 250 रुपये से रेट ऊपर गया ही नहीं, 100 रुपया 110 रुपया 120 रुपया 150 रुपया यहीं पर पूरा जो सीजन है वह समाप्त हो चुका था। उसके बाद भी हम टमाटर की खेती किए, और अभी के टाइम पर देखा जाए तो पिछला 3 वर्षों से जो टमाटर का रेट है वह कम हुआ ही नहीं, हर वर्ष 700-800 1000 रुपया 1200-1500 रुपये तक भी जो टमाटर का रेट है वह देखने को मिला, अभी भी 600-700-800-900 रुपये टमाटर का रेट चल रहा है। तो वैसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका टमाटर निकल रहा है अच्छा खासा निकल रहा है वह कितना ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है। तो मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद किसी के मन को ठेस पहुँचाना नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि खेती से भी एक बेहतर प्रॉफिट किया जा सकता है। कई जगहों पर देखने को मिला है कि हजारों की नौकरियां छोड़ खेती में जो लोग हैं वह उतर रहे हैं, कुल मिलाकर देखा जाए तो एक संतुष्टि रहती है और एक पूरा फ्रीडम रहता है कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, आपको मन है तो, और अगर आपका मन नहीं है तो वैसे में आप बेझिझक आप छुट्टी ले सकते हैं, किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, आप खुद का ही मालिक होते हैं आप, तो वैसे में आप अपने हिसाब से कार्य कर सकते हैं। और जो पहली बार खेती करते हैं वह प्लानिंग के साथ नहीं आता, इस वजह से ही वह जो है लॉस में चला जाते हैं। मान के चलिए मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो टमाटर की खेती ऐसे खेती है, टमाटर है और बैंगन है, करेला है, और भी बहुत सारी फसलें हैं जो कि ऐसी फसल है जिसमें जो मेरे हिसाब से अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो उसमें लॉस होने की जो संभावना है वह बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो आप पहले ऐसा कुछ चुनाव करें कि इस फसल का जो है पूरा मार्केट को आप देखें कि मार्केट में क्या डिमांड रहती है, क्या प्राइस देखने को मिलती है, किस समय प्राइस ऊपर जाता है, किस समय प्राइस नीचे आता है, इस तरीके से आप जो है पहले मार्केट के समझो, पहले देखो क्या कार्य करना होता है, कितना उसमें देखभाल करना होता है, यह सब चीज़ें अगर आप समझते हैं उसके बाद कोई आप एक फसल का चुनाव करते हैं और उस फसल का आप जो है खेती करते हैं तो वैसे में नुकसान होने की जो संभावना है वह कम रहती है, और उसके साथ अगर आप माइंडसेट के साथ आप वह खेती कर रहे हैं तो हो सकता है कि पहले वर्ष आपको जो है उतना ज़्यादा प्रॉफिट ना हो या फिर कुछ नुकसान भी हो जाए तो आप उस पर डटे रहे, आप अगले वर्ष भी वही फसल लगाएं, लेकिन जो गलतियां आपने पिछले वर्ष की है वह आप ना दोहराएं, अगले वर्ष उसको आप सुधार कर उसकी खेती करें तो फिर आपको 100% जो है प्रॉफिट होने वाली है। मैं जो है यह नहीं कह रहा कि आप नौकरी छोड़कर खेती में आओ या फिर आप पढ़ाई छोड़कर जो है खेती में आओ, अगर आपके पास ऑप्शन है, आप सक्षम हो कि एक बिजनेस कर सकते हो, कोई बिजनेस मॉडल के साथ काम कर सकते हो, या फिर आप जो है नौकरी ही करना चाहते हो उसके लिए आप जो है पढ़ाई कर रहे हो तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, संसाधन नहीं है, और एक तरफ अगर देखें तो वहाँ पर आपके पास खेती है तो आप खेती को भी एक छोटा नज़रिए से न देखें, खेती से भी एक बेहतर जो प्रॉफिट है वह जनरेट किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और आपका क्या मानना है, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य बताएं, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और अन्य किसान साथियों के साथ यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके का वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको आगे भी निरंतर देखने को मिलने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।